दोस्तों अगर आप भी उन ट्रेडर्स के अंदर है, अगर मार्केट बुलिश होती है तो नेकेट कॉल बाय करके ऑप्शंस प्ले करते हैं, या फिर मार्केट बेरिश होती है तो नेकेट पुट बाय करके ऑप्शंस को प्ले करते हैं, अगर आप उन लोगों में से है, प्रॉफिट बनाने में स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज की वीडियो के अंदर एक कमाल की स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करूंगा। ठीक कॉल बाय करने जैसा ही प्रॉफिट आएगा, ठीक पुट बाय करने जैसा ही प्रॉफिट आएगा, लेकिन मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गई तो नुकसान आपको बहुत कम आएगा। तो ये दोस्तों अगर समझना है तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा ट्रेडिंग चाणक्य की इस वीडियो को। शुरू करते हैं, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और अच्छे से दोस्तों समझते हैं। बहुत बहुत दोस्तों स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, मैं हूं ट्रेडिंग चैनल का फाउंडर। आज की दोस्तों जो स्ट्रेटजी है उसका नाम है बियर कॉल लैडर, और ये जो स्ट्रेटजी है इतने कमाल की, जिस तरीके से आप कॉल को बाय करके प्रॉफिट्स लेते हैं, इसमें भी कुछ उसी तरीके से प्रॉफिट्स आएंगे, लेकिन आपके लॉस बहुत कम हो जाएंगे अगर मार्केट आपके अगेंस्ट गई। स्ट्रेटजी को समझ लेते हैं, स्ट्रेटजी क्या है और किस तरीके से काम करती है। अब देखिए इसके अंदर किस तरीके से बनती है, उसके लिए मैं एक बार सेंसिबल में चलता हूँ। तो यहाँ पे देखिए ट्रेड पे मैं क्लिक करता हूँ, स्ट्रेटजी बिल्डर पर जाता हूँ। देखिए बिल्ड एंड न्यू कस्टम स्ट्रेटजी, सबसे पहले आपको एट द मनी पर कॉल को बाय करना है। देखिए कॉल साइड की मैं बात कर रहा हूँ, तो सबसे पहले एट द मनी पर कॉल को बाय करना है। तो फिलहाल आप देखेंगे निफ्टी कितने पर चल रहा है, 17,980। तो इसका एट द मनी क्या हुआ, 18,000। तो 18,000 पे मैंने सबसे पहले बाय कर लिया, ठीक है, कॉल साइड की दोस्तों बात कर रहे हैं। तो अब इसके अंदर आप देखिए क्या हुआ, अगर मैंने सिर्फ इसको बाय करके मैं ट्रेड लेता, मुझे लगता है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकती है। तो इस स्ट्रेटजी को देखिए, कुछ इस तरीके से स्ट्रेटजी बनती है, जिसमें मैक्सिमम लॉस आपका है 6,000 के आसपास, 6,280 मैक्सिमम लॉस है। मार्केट अगर आपके अगेंस्ट चली गई तो आपको 6,000 रुपए का मैक्सिमम लॉस हो सकता है, लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में गई तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड प्रॉफिट है। 1% मार्केट ऊपर जाएगा अच्छा प्रॉफिट होगा, 2% अगर मार्केट ऊपर चला गया तो बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। यहाँ देखिए 1.5% के आसपास अगर मार्केट जाता है ऊपर तो 10,000 के आसपास आपको अभी मिल सकते हैं, और अगर एक्सपायरी अगर इधर कर दी इसने तो 7,700 रुपये आपको मिल सकते हैं। अब इससे बेहतर मैं आपको बताता हूँ कि अगर मार्केट यहाँ नहीं भागा 1.5%, भाई जरूरी तो नहीं कि मार्केट भाग जाएगा, मार्केट आपके अगेंस्ट चला गया तो 6,200 रुपये आपका पूरा का पूरा इसके अंदर चले जाएगा। जहां पर आपने ट्रेड लिया अगर मार्केट यहीं की यहीं भी एक्सपायर कर गया तब भी आपका पैसा चला जाएगा। तो क्या सॉल्यूशन है इसका, अब इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये है, वापस हम स्ट्रेटजी पर जाते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, अगर हम 1:1 वाला काम कर रहे हैं तो ठीक एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर एक और बाय कर लीजिए। जैसे कि देखिए 18,000 की हमने एक बाय करी, अब एक काम करते हैं हम 18,050 की भी एक बाय कर लेते हैं, ठीक है। और आप अगर देखेंगे तो उसके नीचे वाली यानी इन द मनी वाली एक शॉर्ट कर दीजिए। तो यहां देखिए हमने 154 रुपीज वाली शॉर्ट कर दी, अब ये देखिए 18,000 वाली हमने बाय कर ली और 18,050 वाली हमने बाय कर ली। अब इस तरीके से दोस्तों स्ट्रेटजी हमने बना ली। इसको बैंक निफ्टी पे बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बैंक निफ्टी पे अभी मैं बनाकर आपको दिखाऊंगा, आपको मजा आएगा। तो यहां देखिए क्या हुआ, अब आपका जो मैक्सिमम लॉस है कितना हो गया, कम हो गया, 5,900 पे आ गया। आप कहेंगे भाई बहुत ज्यादा तो डिफरेंस नहीं है, 200-300 रुपए का तो फर्क है। इसके अंदर देखिए बहुत डिफरेंस है, ये जो आपको मैक्सिमम लॉस आ रहा है वो इस पॉइंट पर आ रहा है कि मार्केट एग्जैक्ट यहां पर अगर एक्सपायर करे, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा सा 0.5% पीछे जाके एक्सपायर कर जाती है फिर देखिए क्या होगा। यहां पर देखिए मैक्सिमम लॉस आपको आप पीछे जाके जो आप देख रहे हैं, ये जो छोटा हो गया ग्रीन वाला एरिया, रेड वाला एरिया माफी चाहूंगा, यहां देखिए 3,400 रुपए जाएगा, आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट यही मिल रहा है। हालांकि प्रॉफिट जो है यहां पर जो अनलिमिटेड आपको मिल रहा है उसमें थोड़ी बहुत कमी आएगी नेकेड कॉल के मुकाबले, लेकिन फिर भी आपको 80-90% तक ये भी प्रॉफिट दे जाएगा। तो ये ज्यादा बेटर स्ट्रेटजी हुई नॉर्मल हम बाय करने के लिए। ये स्पेशल वीडियो थी बैंक निफ्टी के लिए, क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी में होता क्या है, आपका लॉस तो लिमिटेड है, नीचे भाग गया बैंक निफ्टी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब वो भागता है, जब मूवमेंट करता है तो बहुत जबरदस्त करता है। तो अगर आप बैंक निफ्टी में लगाना चाहो तो आप उसको देखिए, कंसिडर करिए, आपको बहुत मजा आएगा। देखिए बिल्ड एंड न्यू कस्टम स्ट्रेटजी, एट द मनी देख लीजिए कहाँ है, 42,400 मैंने इस पर एक नेकेड बाय कर ली। इसका एक बार मैक्सिमम लॉस देख लीजिए कितना है, 8,790 मैक्सिमम लॉस है। पीछे चले जाएगा, कितना भी पीछे चले जाएगा ये आपको लॉस हो जाएगा मैक्सिमम, ऊपर जाएगा तो प्रॉफिट्स आएंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट आगे
का एक और बाय कर लेते हैं, ठीक है ना, ओटीएम का एक कॉल और बाय कर लेते हैं और इंदा मनी का एक शॉर्ट कर देते हैं। अब क्या हुआ, आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो यहां तो लगभग बराबर ही दिख रहा है अगर इसी पोजीशन में मार्केट क्लोज करती है, लेकिन अगर थोड़ी सी पीछे क्लोज कर जाती है, एक्सपायर्ड कर जाती है, तो अब देखिए 6000 ही रह गया एक्सपायरी डेट पर, सिर्फ 6000। और जो आपका डिके होगा, जो पीछे का डिके होगा, टाइम डिके होगा, उसमें भी बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, नेकेड उसमें बाय करने में काफ़ी इंपैक्ट आता है। तो आप कभी भी 3000 के आसपास, 4000 के आसपास भी बाहर निकल सकते थे, पहले भी बाहर निकल सकते थे, वो भी प्रॉब्लम नहीं थी। तो इस तरीके से आप अपने पैसे को काफ़ी प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नेकेड कॉल बाय करने से ज़्यादा बेटर है। तो यह बात आपको समझ में आई। अब एक स्ट्रेटजी बना लेते हैं, उस स्ट्रेटजी को हम बैक टेस्ट करते हैं स्ट्रीक के ऊपर और समझते हैं रियलिटी में क्या ये पैसे बनाकर दे सकती है स्ट्रेटजी, क्या ये रियलिटी में काम कर सकती है, तो उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों स्ट्रेटजी एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है। हम यही जो लैडर है हम बनाएंगे, बेयर कॉल लैडर हम बनाएंगे, और ये तब बनाएंगे जब पिछले दिन का हाई क्रॉस कर देगा इंट्राडे बेसिस पे। 15 मिनट की कैंडल पिछले दिन का हाई ब्रेक कर देती है बैंक निफ्टी का, वैसे ही हम ट्रेड के अंदर एंटर होंगे क्लोजिंग बेसिस पे, वो है अगर क्रॉस करती है 15 मिनट का कैंडल। उससे क्या होगा, आप देखिए बैंक निफ्टी पहली बात तो बहुत वोलेटाइल्ड होता है, मार्केट अगर अगेंस्ट गया तो आपका लॉस देखिए काफ़ी कम है, लेकिन अगर मार्केट आपके फेवर में गया, 2-3% ऊपर चला गया, बैंक निफ्टी के अंदर 2-3% जाना बहुत ईजीली, इतना मुश्किल नहीं है, तो आपको बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट आएगा। प्लस आप इसको एक्सपायरी तक होल्ड करेंगे, हम एक्सपायरी तक इसको वॉच करेंगे, जितना प्रॉफिट आना होगा आने देंगे, हमारा लॉस जो है वो लिमिटेड है। ये चीज़ करेंगे और देखेंगे स्ट्रिक के ऊपर पूरी स्ट्रेटजी बना करके कि रियलिटी में ये पैसा बनाकर दे सकती थी स्ट्रेटजी, उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों हम आ गए स्ट्रिक के प्लेटफॉर्म पर। ये जो स्ट्रेटजी है ये आपको खुद बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, शेयरेबल लिंक है, आप स्ट्रिक को पहले ही लॉगिन करके रखिएगा, उसके बाद आप उस लिंक पर जाइएगा, स्ट्रेटजी को आप कॉपी कर पाएंगे इजीली। अब यहाँ पर देखिए ये स्ट्रेटजी है बेयर कॉल लीडर स्ट्रेटजी, हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और एडिट स्ट्रेटजी पर हम जाते हैं। अब एडिट स्ट्रेटजी में आप देखिए यहाँ पर हमने डायनेमिक कॉन्ट्रैक्ट बना रखे हैं निफ्टी के, निफ्टी बैंक निफ्टी के तीनों, अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ देखिए क्लिक करते हैं हम इसको एक बार देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या करा है, यहाँ पर हमने कॉल बाय करनी है करंट एक्सपायरी की, लॉन्ग करने यानी बाय करके चलेंगे हम इसको, और हमारा जो ऑफसेट रहेगा वो एटीएम मतलब वन, वन का मतलब ये है कि करंट जो हमारा है उससे आगे वाला यानी ओटीएम हो गया, ठीक है ना, स्लाइटली ओटीएम हो गया करंट हमारा, एटीएम मतलब एट द मनी, उससे अगली जो कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी आउट ऑफ द मनी का पहला कॉन्ट्रैक्ट वो हम बाय करेंगे, वीकली कॉन्ट्रैक्ट रहेगा ये, यानी जो वीकली एक्सपायरी हमारी होती है उसके ऊपर ट्रेड लेंगे, और इसको हमने डन कर दिया। सेकंड हमने जो ट्रेड यहाँ पर डाला है वो ये है कि हम फिर कॉल लेंगे करंट की, लेंगे लॉन्ग करेंगे, और जीरो का मतलब है कि एट द मनी पर, यानी जहाँ मार्केट चल रहा है उसके आसपास, सबसे आसपास की जो स्ट्राइक होगी उसको बाय करेंगे वीकली एंड, और ये आप देख लीजिए। उसके बाद देखिए हम इन द मनी की शॉर्ट करेंगे, तो यहाँ माइनस वन कर दिया, देखिए अब यहाँ पर कॉल करंट यहाँ शॉर्ट कर दिया है, इसका प्रीमियम हमें मिलेगा, और इसको हमने यहाँ माइनस कर दिया माइनस वन वीकली, और ये हमने डन कर दिया है। तो ये पूरी स्ट्रेटजी वही बन गई है जो हमने बताई थी। अब यहाँ पर देखिए 15 मिनट का हमने टाइम फ्रेम लगा लिया, बाय सेल को इग्नोर कर दीजिए क्योंकि जो हमने डायनामिक कॉन्ट्रैक्ट में बताया है कि हम लॉन्ग करेंगे शॉर्ट करेंगे उसके हिसाब से काम करेगा। क्वांटिटी हमने 1-1 लॉट्स पर रखी है, आप चाहे इसको 10 कर सकते हैं, 15 कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर देखिए एंट्री कंडीशन क्या है, एंट्री हमने लगाया है सिंबल इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि अगर हम सिंबल नहीं लगाते जो हमारा ऑप्शन का चार्ट है उसके ऊपर ट्रेड लेना शुरू कर देता है ये, तो हमें इसको बताना पड़ेगा स्ट्रिक को कि हमें ऑप्शन के चार्ट के ऊपर ट्रेड नहीं लेना, हमें बैंक निफ्टी का जो स्पॉट चार्ट है उसके ऊपर लेना है। तो सिंबल इंडाइसिस निफ्टी बैंक, इसका जो क्लोज है वो क्रॉसिस अबव करेगा प्रीवियस नंबर ऑफ डे हाई, मतलब पिछले दिन के हाई के ऊपर, वैसे ही हम ट्रेड के अंदर एंटर होंगे, सारे कॉन्ट्रैक्ट हम ले लेंगे, और हमारी जो एग्जिट कंडीशन है वो हमने 999% कर दी, हमें एग्जिट भी जो है इस तरीके से बुक नहीं करना परसेंटेज के हिसाब से, टारगेट प्रॉफिट भी हमने 999% कर दिया, वो भी हमें ऐसे बुक नहीं करना ताकि ये हमारे लिए काम ना करें, हमें ये चाहिए ही नहीं, वो स्ट्रेटजी डिसाइड करेगी एक्सपायरी पे कि क्या प्रॉफिट आया क्या लॉस आया। और यहाँ पर देखिए ये चीज़ देखिए कैंडलस्टिक चार्ट है, सीएनसी नॉर्मल मतलब हम होल्ड करके चलेंगे पूरी स्ट्रेटजी, और ये हमने प्रॉपर चीज़ लगा करके सेव एंड बैक टेस्ट कर लेना है,
और इसको देखना है क्या रिजल्ट हमारे पास एक्चुअली आता है। तो प्रॉपर रिजल्ट्स आप देखिएगा कि क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। यहाँ दोस्तों 6000 रुपए के आसपास का प्रॉफिट आया और ये 3 महीने का रिजल्ट है। 3 महीने का आप रिजल्ट देखिए 19% का रिटर्न है। हालांकि एक एक लॉट में जब आप काम कर रहे हैं तो उसमें ब्रोकरेजेस भी लग रही है। एक लॉट पे काम करेंगे तब भी 20 रुपया लग रहा है, अगर आप 10 पे काम करेंगे तब भी ब्रोकरेजेस 20 लग रही है। तो एक लॉट पे ब्रोकरेजेस थोड़ी सी ज़्यादा आपको पड़ती है। अगर मैं यहाँ ब्रोकरेजेस ऐड कर दूंगा तो ये देखिए प्रॉफिट्स में काफ़ी इंपैक्ट आएगा। ये देखिए 2500 रुपये कम हो गए। लेकिन यही काम आप 5 लॉट्स के साथ करते हैं, 10 लॉट के साथ करते हैं तो ब्रोकरेज का इतना इंपैक्ट आपको नहीं आता, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। बाकी हमें प्रॉफिट आया, लगातार हमने 3 महीने से स्ट्रेटजी को चलाया तो वो प्रॉफिटेबल रही। अब देखिए बैक टेस्ट का जो पैरामीटर है उसको 3 महीने और पीछे करते हैं। देखिए अक्टूबर से लेके जैन तक का है, हम इसको 3 महीने और पीछे करते हैं कि पिछले 3 महीनों में काम कर रहा था या नहीं कर रहा था। तो इसको रन बैक टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि अब क्या रिजल्ट आता है। तो यहाँ दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिला क्योंकि यहाँ पर काफ़ी वोलेटाइल्ड हुआ होगा, तो एक एक लॉट्स के ऊपर ही हमने काम करा है और रिजल्ट देखिए कितना ज़बरदस्त हमें देखने को मिला है। तो इस तरीके के रिजल्ट्स भी आपको बीच बीच में देखने को मिलेंगे। तो ये था दोस्तों स्ट्रेटजी का रिजल्ट। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। हमेशा ध्यान रखिए कि कोई भी स्ट्रेटजी हर बार काम नहीं करती है, मार्केट कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट कंडीशन अगर स्ट्रेटजी के फेवर में है तो रियलिटी में आपको पैसा बना जाएगी, फेवर में नहीं है तो आपको लॉसेस आएंगे। तो हमेशा मार्केट कंडीशन के हिसाब से अलग अलग स्ट्रेटजीज हमें बार बार इस्तेमाल करनी चाहिए। तो इस चीज़ का आपको धीरे धीरे जैसे आप समय बिताएंगे मार्केट में तो आपको खुद समझ में आएगा। फिलहाल अगर ये स्ट्रेटजी अगर आपको लाइव करनी है, ये एज ए एजुकेशन पर्पज़ आपको बताई है, अगर लाइव करनी है तो लाइव कर सकते हैं, अभी बता देता हूँ आपको। प्लस जो भी स्ट्रेटजी है डायरेक्ट पैसा आपको लाइव लगा के एकदम मार्केट में नहीं कूदना चाहिए, आपको कुछ महीने उस पर बैक टेस्टिंग करनी चाहिए, लाइव पेपर ट्रेड करना चाहिए ताकि आपको समझ में आए कि स्ट्रेटजी रियलिटी में कैसे काम कर रही है। और जब आप खुद कंफर्टेबल हो जाए, जब आपको खुद विश्वास हो जाए कि रियलिटी में स्ट्रेटजी काम कर रही है, पैसा बनाकर दे रही है, तभी आप उसको लाइव करें। थोड़े पैसों से धीरे धीरे अपने पैसों को बढ़ाना चाहिए क्योंकि किसी गलत कंडीशंस में, मार्केट कंडीशंस तो आपके फेवरेबल में नहीं है, आपने ट्रेड्स डाल दिए तो आपको ज़बरदस्त नुकसान हो जाता है। इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए कितना पैसा आपको लगेगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने स्ट्रेटजी बनाई थी तो एक लॉट के ऊपर बनाने में लगभग आपको 40,000 रुपये के आसपास का लगेगा, तब जाकर के आप एक लॉट के ऊपर बना पाएंगे। तो जी हाँ, नेकेड अगर बाय करते हैं तो बहुत कम मार्जिन लगता है, लेकिन यहाँ पर एक शॉर्ट भी करा है, थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करो अपने कैपिटल को, तो ये मार्जिन आपका लग सकता है। तो 40-45,000 आप मान के चलिएगा एक लॉट के ऊपर लग जाएगा। स्ट्रेटजी अगर लाइव करनी है तो कैसे करेंगे, तो मैं यहाँ डिप्लॉय ऑल कर रहा हूँ, यहाँ पर देखिए लाइव ट्रेड कर रहा हूँ और ये स्ट्रेटजी दोस्तों लाइव हो गई है। ठीक है, ये स्ट्रेटजी आपको कैसे मिलेगी, तो यहाँ देखिए एक शेयर का लिंक है, मैं यहाँ पर इस शेयर के लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको डाल रहा हूँ, साथ में कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगा। आप वहाँ से इसको क्लिक करके स्ट्रीक पर आएंगे और वहाँ से स्ट्रेटजी कॉपी कर सकते हैं। स्ट्रीक को लॉगिन करके रखिएगा पहले से ही। दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि स्ट्रीक फ्री नहीं है, फर्स्ट टाइम आएंगे कुछ दिन का फ्री ट्रायल मिलेगा, उसके बाद आपको स्ट्रीक का प्लान लेना पड़ता है अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो यही था दोस्तों आज की वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको स्ट्रेटजी समझ में आई होगी, बैक टेस्टिंग आपको समझ आई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।